दोस्तों हमारे उत्तराखंड में द लेक ऑफ स्केलेटन नाम की झील है और इस झील में 100 इंसानों के कंकाल मिले हैं। वैसे तो ये झील बाकी झीलों की तरह ही है, पर इसमें अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि ये 100 लोग कहां से आए और ये कौन थे। दरअसल इस झील को 1941 में अंग्रेजों के द्वारा खोजा गया था और उस समय ये कहा जाता था कि ये 100 लोग World War II में जापानी सोल्जर थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये कंकाल 850 AD के हैं और इन सभी कंकालों के सिर के पीछे एक जैसे निशान भी हैं। इससे ये तो प्रूव होता है कि इनको मारा गया था। अभी रिसेंटली एक थ्योरी सामने आई जिसमें ये बताया गया कि ये लोग दो अलग अलग ग्रुप के थे और आपस में लड़ाई होने की वजह से इनके सिर पर ये निशान आया है। पर अब ये थ्योरी भी फेल होती दिख रही है, और अगर लड़ाई हुई थी तो उनके सिर पर ही क्यों निशान बने हैं, कहीं और क्यों नहीं। फिलहाल अभी तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों एक समय था जब दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के भंडार के लिए जाना जाता था। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, और जब चाइनीज यात्री हुई च्यांग भारत भ्रमण के लिए आया था तब वो नालंदा विश्वविद्यालय को देखकर हैरान रह गया था। उसने देखा कि वहाँ का एक चौकीदार भी कई विषयों का अच्छा ज्ञान रखता था। पर सन 1300 में बख्तियार खिलजी नाम के एक हत्यारे ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला था, और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें मौजूद किताबें आग लगने के 6 महीने तक जलती रही थी। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी हद तो तब हो गई जब नालंदा विश्वविद्यालय के पड़ोस के गाँव का नाम बख्तियारपुर रखा गया, और आज भी इस गाँव का नाम वैसे का वैसा ही है, बदला नहीं गया। ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस गांव का नाम बदलना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।